राजनीतिक उछल कूद पेट्रोल के दामों को लेकर नवीन बाबू ने और उनके पार्टी ने कई बार की है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जनता के सामने ये खुलासा हो पाया है कि एक तरफ केंद्र की सरकार ने 2.5 रुपया कम किया, नरेंद्र भाई मोदी ने जनता की दरकार को समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कदम उठाया, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी कदम से कदम मिलाकर जनता को राहत दी, लेकिन ये राहत नवीन बाबू प्रदेश की जनता को देने से इनकार करते हैं। इसलिए अंतोगत्वा ना नवीन बाबू आयुष्मान भारत का लाभ जनता को देना चाहते हैं, ना नवीन बाबू पेट्रोल के दाम को खुद घटाकर जनता को कोई लाभ देना चाहते हैं, और इसीलिए आज एक संकल्पित भावना से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्धता अपनी दर्शा रहा है कि आगामी चुनाव में न सिर्फ 120 प्लस का टारगेट हम सब जनता के विकास के संदर्भ में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बल्कि 2019 में भी लोकसभा के चुनाव में उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व अपनी ओर से योगदान भारत की राजनीति में देगी।